हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरसी एंटरटेनमेंट। आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला है इसलिए कैसा कट कर पाएगा बिग साइज का ग्लास बॉटल्स। जो बॉटल आपको कट करवाना है वो बॉटल पहले अच्छे से क्लीन करना है, ड्राई क्लॉथ से अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद लोकन का एक पतला तार लेना है, वो तार से उसको पूरा अच्छा राउंड शेप में घुमा के अच्छे से उसको टाइट करना है। जो बैलेंस पोर्शन है वो कट करके निकाल दीजिए। उसके बाद एकदम टाइट करके उसका एकदम अच्छा शेप में टाइट करके रख दीजिए उसको। उसके बाद आपको एक रस्सी लेना है, कोई भी रस्सी ले सकते आप। उसमें रस्सी लेके जैसा आपने तार बांधा वही सेम पैटर्न में रस्सी भी बांधना है। उसको एकदम फुल टाइट रस्सी भी बांधना है इसको। उसके बाद आपको रस्सी उसमें से निकाल देने के एक ग्लास कटिंग टूल है। ग्लास कटिंग टूल से आपको एक मार्किंग करना है, एक फुल सर्कल में एक मार्किंग करना है। वो कटिंग होने थोड़ा आसानी हो सकता है। मार्किंग करने का टाइम आपको लोकन का तार को थोड़ा हाथ से टाइट पकड़ना है, मतलब वो मार्किंग अड़ा नहीं जाए। पूरा एक राउंड आपको मार्किंग अच्छे से करना है। उसके बाद जो थार है वो थार को स्लो मूव करके वो मार्किंग में फिक्स करना है। उसके बाद जो रस्सी आपने पहले निकाल कर रखा था उसको कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड में डुबा कर रखने का। गैस लाइट, टर्पेंटाइन, पेट्रोल मत यूज करना, बाकी कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड आप यूज कर सकते हो। उसके लिए गैस लाइट उसके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद वो बॉटल को ऊपर से डाल के एकदम वो तार का साफ सेट करना है, एकदम स्ट्रेट। मैंने वुड का दो पीस निकाला हुआ है। ये बोतल थोड़ा हेवी है, इसके लिए बोतल इसी रख के रोटेट करने के लिए ये वुड का पीस यूज करेगा। और रस्सी सब सेट होने के बाद रस्सी को जला देने का। रस्सी में एकदम फ्लेम पकड़ने के बाद रस्सी को पूरा सब जगह एक ही जैसा फ्लेम आने के लिए स्लो 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 रोटेट करते रहने का बोतल को। फ्लेम सब जगह एक ही जैसा होना चाहिए, नहीं तो बॉटल क्रैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्लो स्लो रोटेट करते रहना इस तरह। फ्लेम को सब जगह होना चाहिए, ऐसा रोटेट करते रहना।
ग्लास ब्रेक होने का आवाज़ सुनने के बाद वो लकड़ा से नीचे लेने का, इमिडिएटली कोल्ड वाटर डाल देने का उसमें, देन आपको ऐसा कट होके मिल जाएगा। जो कट होके मिला ले सरफेस बहुत रफ रहता है, वो सरफेस थोड़ा स्मूथ करने के लिए आप कोई भी पॉलिश पेपर यूज करना, थोड़ा अच्छे से पॉलिश करके रहना उसमें, आपको हाथ लगे सिक्की लगे तो कट नहीं होगा। उसके बाद बोतल को एक बार अच्छे से वॉश करके निकाल देना, आपको एकदम सुपर कट ऑफ मिल जाएगा इस तरह।